वेलकम फ्रेंड्स इन हेल्थ रैम्बो। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे शरीर की चर्बी के बारे में, बॉडी फैट के बारे में बात करेंगे। यदि हम बात करें फैट या शरीर की चर्बी के बारे में, तो ये हमारे शरीर में पाए जाने वाला वसा का ही एक तरीके का एक रूप होता है। ये शरीर में हमारे जो होता है ऊर्जा के भंडार के साथ साथ कई और भी इम्पोर्टेंट जो होता है काम करता है, उसके बारे में बात करेंगे। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि शरीर में जो चर्बी होती है, ये बॉडी फैट होते हैं, उसके क्या क्या फायदे हो सकते हैं। तो इसमें सबसे पहला फायदा होता है, ये एनर्जी का एक भंडार होता है, मतलब हमारे शरीर को ऊर्जा इससे मिलती होती है। मतलब हम जो खाना खाते हैं हमारे शरीर में स्टोर हो जाता है, और जब हमारे शरीर को एनर्जी की जरूरत होती है तो वो हमें फैट से ही मिलती है। दूसरा ये होता है कि हमारे शरीर के जो अंग होते हैं उनकी सुरक्षा करता है, कि मतलब हमारे शरीर के अंगों के आसपास एक तरीके का कुशन बना लेता है। इससे क्या होता है, हमारे शरीर के जो होते हैं पार्ट्स होते हैं वो प्रोटेक्ट रहते हैं। तीसरा ये होता है कि ये हार्मोन्स का निर्माण करता है, बहुत सारे जो हार्मोन्स होते हैं उसके लिए बहुत ज़रूरी होता है, जो फैट जो होता है काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। साथ साथ में क्या कहता है, हमारे शरीर का जो टेम्परेचर होता है उसको भी ये मेंटेन करके रखता है। और क्या है ये, उसके बारे में हम आगे और बात करेंगे। तो शरीर की चर्बी के जो होते हैं कुछ नुकसान भी होते हैं। तो सबसे पहला जो होता है, जैसे आप लोग जानते हैं, इससे दिल की बीमारियां, हार्ट डिसऑर्डर हो सकते हैं। दूसरा होता है कि इसकी वजह से जो होता है टाइप 2 डायबिटीज जो होता है उसके होने के भी चांसेस जो होते हैं वो बढ़ जाते हैं। और क्या होता है इसके साथ साथ में, जिन लोगों का जो वेट जो चर्बी ज़्यादा होती है, तो उन लोगों में क्या होता है, जो जॉइंट पेन, अर्थराइटिस है, ऑस्टियोआर्थराइटिस, रूमेटॉइड अर्थराइटिस, ऐसी बीमारियाँ होने के भी चांसेस ज़्यादा होते हैं। साथ साथ में ऐसे लोगों को बहुत सारे जो कैंसर होते हैं, सॉलिड कैंसर या लिक्विड कैंसर, वो भी होने के चांसेस इन लोगों के अंदर बढ़ जाते हैं। शरीर की जो चर्बी होती है उसको कैसे मापेंगे कि आपकी शरीर की चर्बी कितनी होनी चाहिए? शरीर में जो चर्बी होती है पुरुषों में जो उसका जो वेट होता है उसका लगभग 15 से 25% होना चाहिए, और महिलाओं में जो होता है चर्बी जो होनी चाहिए टोटल वेट का 25 से 35% जो होता है वो चर्बी होनी चाहिए। यदि इससे ज़्यादा है तो ये आपके लिए नुकसानदेह भी हो सकता है। तो शरीर में चर्बी बनती कैसे है, कहाँ पर ये चर्बी कहाँ से आती है? जो कारण होता है जो होता है वो होता है कि जब हम स्ट्रेस में होते हैं, जब हम स्ट्रेस में होते हैं तो कॉर्टिजोल का लेवल जो होता है वो बढ़ जाता है, और कॉर्टिजोल का लेवल के बढ़ने से वैसे क्या होता है, फैट का लेवल जो होता है वो बढ़ जाता है। ये आमतौर पर क्या होता है, कहाँ का जो फैट बढ़ता है, ये वाला जो फैट बढ़ता है विसेरल जो फैट होता है, और जो सबक्यूटेनियस फैट होता है ये कॉर्टिजोल की वजह से इसका लेवल जो होता है वो ज़्यादा बढ़ता है, या जिन लोगों में कॉर्टिजोल हार्मोन अबनॉर्मल होता है तब भी ऐसा होता है। साथ साथ में जो लोग बहुत ज़्यादा जो होता है पैक्ड फूड खाते हैं, जैसे कुकीज, नमकीन, पैक्ड स्नैक्स खाते हैं, या बहुत ज़्यादा तला हुआ भोजन खाते हैं, या रेड मीट वगैरह बहुत ज़्यादा खाते हैं, तो ऐसे लोगों का जो होता है फैट लेवल अधिक हो जाता है। अब बात करते हैं क्या चीज़ आप खा सकते हैं जिससे कि आपका जो अनहेल्दी फैट है वो ना बढ़े, मतलब हेल्दी फैट बढ़े जिससे आपके शरीर में चर्बी ना बने। तो उसके लिए आप जो होता है अलसी के बीज वगैरह अपनी डाइट में इस्तेमाल कर सकते हैं, अखरोट का इस्तेमाल कर सकते हैं, नॉर्मल जो आप तेल इस्तेमाल कर सकते हैं उसकी जगह पे सनफ्लावर सीड्स ऑयल जो है इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें विटामिन ई अधिक मात्रा में होता है, हेल्दी फैट का एक रूप। और क्या क्या कर सकते हैं, जैतून का तेल इस्तेमाल कर सकते हैं आप अपने शरीर के लिए विटामिन सी जो एंडिस डाइट होती है वो ले सकते हैं। साथ साथ में जो मेवे है जैसे बादाम है, अखरोट वगैरह है, इनका इस्तेमाल कर सकते हैं, ये भी आपके लिए फायदेमंद होता है। और अपनी डाइट में जो जो मिल्क प्रोडक्ट होते हैं जैसे कर्ड है वगैरह, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ये भी आपके लिए फायदेमंद हो सकता है। साथ साथ में फाइबर आपको अधिक मात्रा में लेना है, रेशेदार चीज़ें जैसे फल फ्रूट होते हैं, खट्टे फल है, ये जो रेशेदार चीज़ें होती हैं उनका इस्तेमाल ज़्यादा करना है। प्रोटीन का इंटेक्ट जो होता है वो बढ़ाना है, प्रोटीन ज़्यादा लेना है आपको, जैसे अंडा है और जैसे मछली है, या फिर उसके अलावा जो चिकन है उसका लेवल आपको बढ़ाना है, दालें हैं उनका लेवल आपको बढ़ाना है। साथ में और आप क्या कर सकते हैं, आप ग्रीन टी पी सकते हैं, एक्सरसाइज आपके लिए बहुत ज़रूरी होता है, नींबू अदरक का पानी वगैरह ले सकते हैं, ये भी आपके शरीर को डिटॉक्स करेगा, आपका जो फैट है उसको लेवल को ज़्यादा बढ़ने नहीं देगा। प्रोटीन की लेवल आप जैसे आप अभी हमने बात करी, प्रोटीन डाइट इंक्रीज करिए, फ्रूट्स और जो
रॉ फूड होते हैं डाइट में वो भी शामिल करिए, जैसे खाना खाने से पहले खीरा है या दूसरी चीजें वगैरह आप वो भी ले सकते हैं। और आप ज्यादा से कम दिन में 3 से 4 लीटर आप पानी भी पीजिए, तो सारी चीजें जो है आपके फैट के लेवल को मेंटेन करके रखेंगी। उम्मीद है आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। विद दिस थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग हेल्थ रैम्बो।